अगर आप भी घर पे बनाना चाहते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल फ्राइड राइस, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज इससे आसान रेसिपी आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाने के लिए आपको चाहिए बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स, पहले से बॉईल करी हुई मटर, लंबी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, गोल गोल स्लाइस की हुई हरी प्याज का सफेद वाला भाग और एक दिन पहले बॉईल करे हुए चावल। जी हाँ, फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप चावलों को बनाने से एक दिन पहले बॉईल करके फ्रिज में रख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई या वॉक में तेल गरम कर लीजिए, इसमें ऐड करिए बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन को 30 सेकंड सौते करिए, इसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए बारीक कटी हुई अदरक। 30 सेकंड अदरक को सौते करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए बारीक कटी हुई बीन्स। एक मिनट तक बीन्स को तेज आंच पे सौते करने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए बारीक कटी हुई गाजर। गाजर को एक मिनट सौते करने के बाद इसमें ऐड करिए बॉईल की हुई मटर और अच्छी तरह से मिलाइए। हाई हीट पे सौते करने की इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टर फ्राई। मटर सौते हो जाने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए स्लाइस की हुई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को सौते करिए। 2 से 3 मिनट सब्जियों को सौते करने के बाद इसमें ऐड करिए हरी प्याज का सफेद वाला भाग। अच्छी तरह से मिलाइए और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हाई हीट पे सौते करिए। सब्जियां सौते हो जाने के बाद इसमें मिलाइए उबले हुए चावल और अच्छी तरह से मिक्स करिए। चावलों को नमक काली मिर्च के साथ सीजन करिए। इसके बाद इसमें 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस डालकर अच्छी तरह से मिलाइए। आखिरी में हरी प्याज के हरे वाले भाग को बारीक काटकर मिलाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। आपका रेस्टोरेंट स्टाइल वेजिटेबल फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। और भी ऐसी आसान रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।